हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं करुणा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए मेरे पास था एक प्लास्टिक का ये कवर, जो कि हम मोस्टली फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक DIY किया जाए और कुछ अमेजिंग सा बनाया जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज मैंने क्या बनाया है। तो शुरुआत में मैंने लिया यहाँ पर प्लास्टिक कवर, और यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैंगल भी है, तो मैं इसे इस तरह से सेंटर में सेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा ग्लू लगा देती हूँ और सेंटर में इस तरह से पेस्ट कर देती हूँ और इसे रख देती हूँ सेट होने के लिए। और ये ड्राई हो चुका है, सेट भी हो चुका है, तो अब है बारी इसे कलर करने की। तो मैं यहाँ पर कलर्स के लिए एक्रेलिक कलर्स का यूज़ करूँगी और मैं यहाँ पर इस सर्कल में पूरा ऑरेंज कलर करने वाली हूँ। इसे मैं देखो इस तरह से पूरा ऑरेंज कलर कर चुकी हूँ, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अब है बारी इसके सेंटर में कलर करने की। तो मैं सेंटर के लिए यहाँ पर रेड कलर लूँगी और इसे भी इसी तरह से पूरा अच्छे से फिल कर देती हूँ। और यहाँ पर ये रेड कलर भी हो चुका है मेरा पूरा, और ये आप देख सकते हो खूबसूरत लग रहा है। और मैं बाहर की पूरी लाइनिंग के लिए यहाँ पर येलो कलर का यूज़ करूँगी और इसी तरह से मैं इसको भी पूरा अच्छे से फिल कर देने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं पूरा अच्छे से साइड से करूँगी ताकि ये साइड से बुरा ना लगे, साइड से अच्छा लगे। और ये इस तरह से मैं इसको स्लो यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास ये इस तरह की ब्रश है अभी। और ये हो चुका है पूरा, क्योंकि ये एक्रेलिक कलर्स है तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता सूखने में, चुटकियों में ये सूख कर तैयार हो जाता है। और अब मैं इसको ड्राई कर चुकी हूँ पूरा अच्छे से। तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पे इसे शाइनिंग सा बनाने वाली हूँ, और शाइनिंग ऐड करने के लिए ऑफ कोर्स मेरे पास है यहाँ पर मिरर्स। तो यहाँ पर मैं ग्लू की हेल्प से ट्राइंगल शेप की मिरर्स यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। इसी तरह से मैं पूरे सर्कल में लगा दूँगी मिरर ट्राइंगल शेप के, और ये देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अब मेरे पास यहाँ पर हैं कुछ डायमंड शेप के मिरर्स भी, तो जिसे मैं राउंड की शेप में ही लगाने वाली हूँ, बिल्कुल ट्रायंगल के साथ में, जिससे आप देखोगे एक पूरा प्यारा सा डिज़ाइन, पूरा सा सर्कल बन के रेडी होगा जो कि काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और ये पूरा बन चुका है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा अरेंज करने के बाद, कितने अच्छे लग रहे हैं मिरर्स। और इसी के साथ साथ ही यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह की बूंद की शेप के भी हैं मिरर्स, तो इसे भी मैं पूरा लगा दूँगी। और इसी के साथ साथ भी मैंने यहाँ पर छोटे छोटे मिरर्स और लगाए हैं जो बूंद से बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और जिसके बाद ये पूरा कम्प्लीट लग रहा है, पूरा शाइनी लग रहा है। और ये पूरा बनकर भी मेरा रेडी हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर इस बैंगल को भी पूरा स्टोन से कवर करने वाली हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर सिल्वर कलर के स्टोन्स थे, तो मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है। और यहाँ पर ये लाइट होल्डर मेरा प्यारा सा बनकर रेडी है, और इस तरह से मैं इसमें एक दिया भी रख देती हूँ जिससे पूरा कंप्लीट लगेगा, और ये पूरा रेडी भी है फ्रेंड्स। तो साथ साथ में आप लोग जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग भी इस तरह ज़रूर कुछ बनाकर ट्राई करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।